हदीस शरीफ जो तफसीर इब्ने कसीर में और दीगर बहुत से माखज़ में मौजूद है, हजरत हुज़ैफ़ा बिन यमान रदी अल्लाह तआला अन्हु, जिनको साहिब सिर्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी राज की खुसूसी बातें उनको बताई और वो इसके स्पेशलिस्ट थे। उन्होंने वो हदीस रवायत की, इब्ने कसीर ने उसकी तौसीक की, उसे सनद के लिहाज से भी मुस्तनद करार दिया कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना मिम्मा अतखवाफु अलैकुम, कि मुझे तुम पर जिन चीजों का खतरा है, मिन तबीज का है, यानी इस हदीस में जो कुछ बयान होगा सारा खतरा वो नहीं, लेकिन जिन चीजों का खतरा है उनमें से एक खतरनाक चीज का जिक्र इस जगह भी किया, कि लफ्जों में फरमा, इन्ना मिम्मा अतखवाफु अलैकुम रजुल, मुझे जिन चीजों का तुम पर खतरा है उनमें से एक आदमी है जो मुस्तकबिल में पैदा होगा, और उसकी फिर अलामते बयान की, रजुल कारा अल कुरान, मुझे इस उम्मत पर एक ऐसे शख्स का खतरा है जो अपनी दावत, अपनी तबलील, अपनी तहरीक, अपनी तंजीम, उसका मदार कुरान पे रखेगा, है खतरनाक, मगर उसका तबलीग का अंदाज, दीन की तरफ दावत का अंदाज, लोगों के सामने सारे का सारा उसका तल्लुक कुरान के साथ होगा। यानी यहां आपने वाजे फरमा दिया कि इस हदीस में जिस खतरे का जिक्र आ रहा है उसका तल्लुक डायरेक्ट यहूद से नहीं, कि वो कोई एलानिया यहूदी बंदा हो, या नसरानी हो, क्रिश्चियन हो, या वो हिंदू हो, वो सिख हो, उसकी दावत का ताल्लुक कुरान से होगा, यानी वो दावेदार मुसलमानी का होगा। वकाना रिदा उहुल इस्लाम, फरमा उसने चादर इस्लाम की ओढ़ी हुई होगी। फातराहु इला माशा अल्लाह फनसला खमिन हो, फरमा वो इसी तरह अपनी दावत लेकर चलेगा कुरान हाथ में और इस्लाम का लिबादा ओढ़कर, फिर जाकर वो अपना ये लिबादा उतार देगा। वनबाज़हु वरा ज़हरिही, वो कुरान जो उसने पहले हाथ में पकड़ा हुआ होगा फिर वो अपनी पुश्त के पीछे उसे फेंक देगा, माज़ल्लाह। वसहा अला जारिही बिसैफ, और वो करीबी मुसलमानों के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर देगा, जिहाद बिसैफ, और इसकी वजह भी वो बयान करेगा। वरमाहु बिशिर्क, और करीबी मुसलमानों का कत्ल वाजिब करार देगा, और उसका सबब ये बताएगा कि ये मुसलमान मुसलमान नहीं रहे बल्कि मुशरिक हो गए, यानी मुसलमानों को मुशरिक करार देकर वो मुसलमानों पे हमलावर हो जाएगा। यानी पहले इस्लाम का लिबादा उड़ेगा, कुरान से दावत देगा, फिर कुरानी अहकाम की खिलाफवर्जी करेगा, मुसलमानों के कत्ल का फतवा देगा कि मुसलमान कत्ल कर दिए जाएं, इनकी बीवियां छीन ली जाएं, इनका माल छीन लिया जाए, और इसका जवाब ये बताएगा कि चूंकि ये मुसलमान मुसलमान नहीं है, रमाहु बिशिर्क, शिर्क का फतवा लगाकर मुसलमानों के खून के बहाने को जायज करार देगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को फरमाया, मुझे इस बंदे का बड़ा उम्मत पे खतरा है, कि ये बड़ा खतरनाक बंदा है जो मुस्तकबिल में आएगा, यहूद इतना नुकसान नहीं कर सकेंगे जितना ये करेगा, क्रिश्चियन या हिंदू या सिख या मुसलमानों का कोई दुश्मन इतना नुकसान नहीं देगा जितना ये देगा, और वो मुसलमानों का खून बहाना, मुसलमानों को कत्ल करना, इसको भी शरीयत बनाएगा। यानी एक तो है ना कि जालिम जुल्म कर रहा है, सब समझते हैं ये जालिम है और ये इसने फला मुसलमान को शहीद कर दिया है, लेकिन वो मुसलमानों के कत्ल को शरी तकाजा करार देगा कि ये मुसलमान इस लायक है कि जिंदा ना रहे, इनको तह ते किया जाए, जमीन इनसे खाली की जाए। क्यों? रमाहु बिशिर, वो कहेगा कि ये अकीदे में मुशरिक हो चुके हैं और अपने शिरकिया अकीदे की बुनियाद पर कुरान कहता है कि इनसे जमीन को पाक किया जाए, माज़अल्लाह। इस तरह वो शिर्क का फतवा लगाकर मुसलमानों का खून बहाएगा, उम्मत की कमर तोड़ देगा, कि जब मुसलमानों की जिंदगी उससे महफूज नहीं रहेगी,
अब ये सारी अलामतें जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की, हजरत हुज़ैफा बिन यमान रदी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर सहाबा सुन रहे थे, तो बिल आखिर हजरत हुज़ैफा बिन यमान रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया, अय्युहुमा औला बिश्शिर्क अर्रामी बलिल मर्मी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार आप ये तो फैसला हमें बता दो ताकि आगे चलते चलते उस जमाने तक ये बात पहुंचे कि जब वो खतरनाक बंदा शिर्क का फतवा लगाकर मुसलमानों के कत्ल को जायज करार देगा और मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा होगा उन्हें मुशरिक करार देकर, तो क्या मुसलमान उस वक्त के जो है वो वाकई मुशरिक हो चुके होंगे, या वो शख्स उन्हें गलत फतवे के जरिए से तोहमत लगा रहा होगा शिरक का, इल्जाम देकर शिरक का तोहमत लगाकर उन्हें वो जुल्मन कत्ल कर रहा होगा। इसका आप फैसला हमें सुना दें, जब आपको उस वक्त के हालात आज नजर आ रहे हैं तो उस वक्त दो टोले होंगे, एक उस शख्स की फौज होगी उसके हमायती होंगे और दूसरी तरफ वो मुसलमान होंगे कि जिन पर शिर्क का फतवा लगा हुआ होगा और उन पे जुल्म किया जा रहा होगा। तो दुनिया ये जानना चाहेगी कि जिन पर शिर्क का इल्जाम लगा है क्या वो वाकई मुशरिक हैं, तो फिर ठीक है मरते खपते रहे, और अगर वो वाकई मुशरिक नहीं वो सच्चे हैं तो फिर उन्हें इस बात से बड़ा हौसला मिल जाएगा कि अगरचे हमारी जान तो सलामत नहीं लेकिन ईमान तो सलामत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी हिमायत की है और उस फतवा लगाने वाले को मुजरिम करार दिया है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस बारे में आज फैसला फरमा दें। आज से 14 सदियां पहले जब उम्मत की उस खतरनाक इंसान के लिहाज से ये गुफ्तगू चल रही थी मस्जिद नबी शरीफ में, हजरत हुज़ैफा बिन यमान रदी अल्लाह तआला ने सवाल किया, लफ्ज ये थे, अय्युहुमा औला बिश्शिर्क अर्रामी अविल मर्मी। रामी है शिरक का फतवा लगाने वाला, मर्मी है शिरक का फतवा खाने वाला कि जिसको मुशरिक कहा जा रहा है, तो उनमें से हकीकत में खराब कौन होगा? तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार फरमाया, बलिर रामी बलिर रामी बलिर रामी। उस वक्त का मुसलमान मुशरिक नहीं होगा, वो जो फतवा लगाने वाला है वो मुजरिम होगा। ये हदीस शरीफ तफसीर इब्ने कसीर में मौजूद है और इसके अलावा 8-9 इसके माखिज हैं और इमाम यहया बिन मईन और इमाम अहमद बिन हम्बल जैसे अइमा ने इसकी तौसीक की है। अब आप तारीख देखें इस्लाम की, किताल तो बहुत मर्तबा हुआ, कभी तातारियों ने किया, मंगोलों ने किया, कभी कोई जालिम आया, कभी कोई जालिम आया, कभी कोई जालिम आया। उम्मत में किताल शिर्क का फतवा लगा के किसने किया? मुसलमानों का। वो सिर्फ इब्ने अब्दुल वहाब नजदी ने किया। उसके अलावा यूं अस्करियत, दहशतगर्दी, बर्बरियत और कत्लेआम, जिसको गैर जानबदार जो राइटर हैं उन्होंने भी 3 लाख की तादाद मुसलमानों की लिखी, जो मक्का मुकर्मा के थे, जो मदीना मुनवरा के थे, जो ताइफ के थे और हिजाज मुकद्दस के मुख्तलिफ शहरों के थे, इन सब का कत्लेआम इब्ने अब्दुल वहाब और फिर इब्ने सऊद और वहाबी तहरीक की जो जंगे थी, बरतानिया के टैंक थे और मुसलमानों के सीने थे और इस तरह करके यानी खून बहाया गया और अंग्रेजों ने यह अपने परवुर्दा जो है वो हिजाज मुकद्दस पर अपने मकासद के लिए मुसल्लत किए। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बुखारी की हदीस, वैलुल अरब मिन शर्रिन कदीक तरब, वो शर फिर जिसने यहूद से मुआहदे किए, वो जिसने फिर नसारा से मुआहदे किए कि सरकार तो फरमा गए थे अखरिजुल यहूद वन नसारा मिन जजीरा तिल अरब, के जजीरा अरब से यहूद को भी निकाल दो नसारा को भी निकाल दो, लेकिन जिन्होंने यहूद को भी अड्डे दिए नसारा को भी अड्डे दिए, इसराइल को तस्लीम किया, यहूद से दोस्तियां की, वो ये शर्ब है, ये वो शर है जिसके बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बुखारी की हदीस में लफ्ज शर के साथ उसको बयान किया, और जो तफसीर इब्ने कसीर है उसके अंदर लफ्ज रजुल
और फिर उसकी अलामतें जिक्र करके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस फितने का तज़करा किया। और आज वो फितना है कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया में कहीं मुसलमान सर नहीं उठा सकते, क्योंकि इनका सर इस मरकज़े इस्लाम में बैठे हुए सौदागरों ने गैरों के सामने शर्मिंदा कर रखा है, गैरों के सामने झुकाया हुआ है। ये किस मुंह से अपनी हुर्रियत, अपनी अजमत और कुरान और सुन्नत के अहकाम को बयान करें कि ये जिन अहकाम का तज़करा अजम में बैठकर या किसी जगह भी करते हैं, तो यहूद कहते हैं कि तुम्हारे मरकज वाले तो हमें तस्लीम कर चुके हैं, क्या उनको ये आयतें नहीं आती, क्या उनको कुरान नहीं आता, क्या वो काबे की मुफ्ती नहीं है, क्या वो हरमैन के खादिम नहीं है, जब वो हमें सब कुछ तस्लीम कर रहे हैं तो फिर तुम किस मुंह से हमसे मुखालफत करते हो।